हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके सामने। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जो वीसी कूलर कोका कोला या पेप्सी का फ्रिज होता है वो कितना लीटर फ्रिज में कौन सा कंप्रेसर हम लगाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप थोड़ा वीडियो देखिएगा तो पूरा समझ में नहीं आएगा। बहुत ही इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट चीज मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का दबा दीजिए नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए। चलिए बिना देरी किए हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ कि कोका कोला फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, वीसी कूलर फ्रिज या कोई भी कंपनी का हो, वेस्टर्न का हो, हायर का हो, कोई भी कंपनी का हो, वीसी कूलर शीशा वाला फ्रिज का हम कितना लीटर फ्रिज में कौन सा कंप्रेसर हम यूज करते हैं और वीसी कूलर हम कैसे निकालते हैं दोस्तों। तो वीडियो पे बने हुए रहिएगा दोस्तों। यहाँ पे हम कुछ मॉडल लिख रखे हैं, 30 वीसी, 20 वीसी, 15 वीसी, 9 वीसी, 7 वीसी। तो इसमें कितना लीटर होता है, 30 वीसी में कितना लीटर हम पानी को यूज कर सकते हैं, कितना पानी हम रख सकते हैं, उसको हम लीटर कैसे निकालते हैं। तो कभी भी आप 30 वीसी मशीन डबल डोर फ्रिज को आप खोलिएगा तो आपको पता चल जाएगा वहां मॉडल नंबर लिखा हुआ रहता है। मॉडल नंबर पर ही आपको लीटर लिखा हुआ रहता है। 30 वीसी मशीन में 1000 लीटर होता है दोस्तों, याद रखें 1000 लीटर होता है दोस्तों, 1000 लीटर होता है। अब 1000 लीटर 30 वीसी मशीन में हम कौन कौन सा कंप्रेसर यूज करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम आ चुके हैं दोस्तों। ये 30 वीसी मशीन 1000 लीटर होता है, इसमें हम कौन कौन से कंप्रेसर को यूज करेंगे दोस्तों। तो अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, इसमें कौन कौन सा कंप्रेसर हम लगा सकते हैं। दो कंप्रेसर बहुत ही कंपलसरी है, जो हम पिछले वीडियो में भी आपको हम बता रखे थे। दो कंप्रेसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक है केसियन का, एक केसियन का आता है दोस्तों, केसियन कंपनी का आता है 463 कंप्रेसर आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंप्रेसर है और ये इसमें लगा ही हुआ रहता है 30 वीसी में। अगर हमारे पास 463 कंप्रेसर अवेलेबल नहीं है तब हम कौन सा कंप्रेसर लगाएंगे, तो हम 463 अवेलेबल नहीं है तो हम कंप्रेसर लगाएंगे एक टिकमसा का आता है, टिकमसा कंपनी का आता है 94 37 आता है, एक टिकमसा कंप्रेसर आता है, टिकमसा कंपनी का एक कंप्रेसर आता है 94 37 दोस्तों। 30 वीसी याद रखिएगा, 30 वीसी 1000 लीटर में ये दोनों कंप्रेसर एकदम कंपलसरी है। अगर ये दो कंप्रेसर भी हमारे पास नहीं है तो हम कौन सा कंप्रेसर लगाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम आ चुके हैं दोस्तों। अगर ये दोनों कंप्रेसर हमारे पास नहीं है तो हम लगाएंगे केसीएन का 444 लगाएंगे दोस्तों, 444 लगाएंगे तो हमारा ये फ्रिज चलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि 444 केसीएन का बहुत ही पावरफुल कंप्रेसर होता है। हम कितना फ्रिज में लगा करके दोस्तों देख चुके हैं दोस्तों। अगर हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है कि अगर हमारे पास 444 भी कंप्रेसर न हो तो हम कौन सा लगाएंगे दोस्तों, अगर हमारे पास 444 न हो तो एक फिर टिकमसा कंपनी का आता है 4440। याद रखिएगा दोस्तों, ये सारा कंप्रेसर आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगा दोस्तों। अगर हमारे पास टिकमसा ये केसीएन का 444 कंप्रेसर हमारे पास नहीं है, 444 नहीं है, तो टिकमसा का आप 4440 कंप्रेसर आता है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट होगा अगर आप 30 वीसी फ्रिज में यूज करते हैं दोस्तों। ये हम यूज करके देख चुके हैं, वही हम आपके पास साथ शेयर कर रहे हैं दोस्तों। तो ये दो कंप्रेसर हमारे पास नहीं मिलेगा तो ये दो कंप्रेसर लगा दीजिएगा, 110% आपको कूलिंग करेगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। हम वीडियो को आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अब 20 वीसी कितना लीटर होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम आपको बताने जा रहे हैं, 20 वीसी कितना लीटर होता है दोस्तों। हम पहले 20 वीसी का हम आपको बताते हैं। 20 वीसी आपको लगभग वही 700 लीटर का आता है दोस्तों, 700 लीटर का 20 वीसी आता है, 20 वीसी 700 लीटर का आता है। तो 700 लीटर में हम कौन कौन सा कंप्रेसर को यूज करते हैं दोस्तों, ये हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों। तो 700 लीटर जो हमारा ये वीसी कूलर है, शीशा वाला फ्रिज जो 700 लीटर है, उसको हम कौन कौन सा कंप्रेसर यूज करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम आपको इसमें यूज करने वाले हैं केसीएन का 444 कंप्रेसर दोस्तों, 444 कंप्रेसर केसीएन का यूज करने वाले हैं दोस्तों। तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। केसीएन का अगर 444 कंप्रेसर हमारे पास नहीं है तब हम कौन सा यूज करेंगे दोस्तों, ये हम आपको बताने वाले हैं। अगर हमारा केसीएन का 444 नहीं है दोस्तों तो हम इसमें यूज करेंगे टिकमसा का 4440 दोस्तों, 4440
टिकमसा का 44-40 यूज करेंगे दोस्तों, क्योंकि टिकमसा का 44-40 भी हम इसमें इसलिए ऐड कर दिए हैं कि 20 वीसी 700 लीटर और 1000 लीटर में ज्यादा का अंतर नहीं होता है। 1000 लीटर में भी काम कर रहा है तो 700 लीटर में और ही अच्छा से काम करेगा, इसलिए हम 44-40 इसमें ऐड कर दिए दोस्तों। ये दो ही कंप्रेसर इसमें यूज किया जाता है दोस्तों। अगर आप प्राइवेट से काम करने गए हैं, कस्टमर कह रहा है थोड़े सा रुपये में कम पैसे में हमको फ्रिज बन जाना चाहिए, तो इसके आगे हम आपको बताते हैं कि कम पैसे में भी आपको कंप्रेसर आ जाएगा, वो आप इसमें यूज कर सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखें दोस्तों, LG, Samsung, Whirlpool ये सब कंप्रेसर इसमें नहीं लगता है। ये कमर्शियल कंप्रेसर जो भी हम बता रहे हैं, ये आप दिमाग में ऐड कर लीजिए कि ये कमर्शियल ही फ्रिज का कंप्रेसर है। आप घरेलू फ्रिज का कंप्रेसर इसमें यूज कीजिएगा, आपका पैसा भी चला जाएगा और कस्टमर, समझ रहे हैं ना, बहुत परेशान कर देगा। इसीलिए कभी भी आप यूज करें तो कमर्शियल फ्रिज में कमर्शियल ही कंप्रेसर यूज करें दोस्तों। अगर हमारे पास 44-40 कंप्रेसर नहीं है तब हम क्या करेंगे? अब मजबूरी में कस्टमर को देखते हुए कम पैसे में काम करना चाहते हैं तो एक आता है टिकमसा का 9417। अगर लास्ट पोजीशन है, ये लगाना नहीं है, लेकिन अगर लास्ट में अगर कंप्रेसर आपको कस्टमर बोल रहा है कम दाम में हमको फ्रिज बन जाना चाहिए, थोड़े पैसे में बन जाना चाहिए, तो 9417 लगा दीजिएगा, फ्रिज चलेगा 100% चलेगा। ऐसा नहीं कि हम आपको बता दे रहे हैं और आपका फ्रिज कूलिंग भी नहीं करे, वो गलत है, वो आपको ऐसा कभी भी नहीं होगा। 9417 लगाइएगा, 20 वीसी में 110% चलेगा, क्योंकि हम खुद ला के चेक किए हैं दोस्तों। क्योंकि हर एक प्रकार का मार्केट में कस्टमर मिलता है, वो आप भी समझ रहे हैं, अगर आप टेक्नीशियन है तो 9417 लगा दीजिएगा, वो चलेगा। और अब हम आ जाते हैं यहाँ 15 वीसी मशीन में। 15 वीसी में दो मॉडल होता है, एक होता है सुपर सुपर 50D 50D और दूसरा मॉडल होता है दोस्तों, एक हो गया सुपर 50D और एक होता है सीधा 650, ठीक है। इसमें दो मॉडल होता है, तो दोनों मॉडल में हम आपको शॉर्ट करके लिख दे रहे हैं दोस्तों। एक होता है आपको सुपर 50D और एक होता है 650। ये दोनों दोस्तों मॉडल है, दो मॉडल होता है। नड़कुल में सुपर 50D होता है और वेस्टर्न फ्रिज में, वेस्टर्न कंपनी का फ्रिज में 650 होता है और नड़कुल में सुपर 50D कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इसका कितना लीटर होता है? 650 का मतलब आप समझ रहे हैं कि 650 लीटर होगा ही होगा, और आपको सुपर 50D जो है वो 500 से 550 लीटर के अंदर होता है। तो हम आपको एक एवरेज लेके चलते हैं, 650 लेके चलते हैं, ठीक है। एक एवरेज हम 650 इसका कंप्रेसर इसमें लग जाए, सुपर 50 का 650 में भी लग सकता है, ये आप अच्छा तरीका से देख लीजिए, समझ लीजिए। 650 में भी सुपर 50D का कंप्रेसर लग सकता है और सुपर 50D का कंप्रेसर 650 में लग सकता है और 650 का कंप्रेसर इसमें भी लग सकता है, यानी कि इसका कंप्रेसर इसमें लग सकता है, इसका कंप्रेसर इसमें लग सकता है, कोई भी समस्या नहीं है। तो हम आपको एक एवरेज लेके चलते हैं 650 लीटर। ज़्यादा आपको नड़कुल का फ्रिज बहुत ही कम आपको मिलेगा, वेस्टर्न का ज़्यादा मिलेगा। जो 650 है वेस्टर्न कंपनी का आता है, 650 लीटर, ठीक है। 650 लीटर आ गया ये 15 वीसी मशीन में, 650 लीटर याद रखिएगा दोस्तों। अब इसमें कंप्रेसर हम कौन कौन सा यूज करेंगे वो हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए हम सबसे पहले 650 लीटर में कौन सा कंप्रेसर यूज करेंगे। सबसे पहले ज्यादा यूज होने वाला कंप्रेसर है वो है केसीएन का 444 दोस्तों। सबसे ज्यादा यूज होने वाला है 650 या सुपर 50D में। आप कभी भी मशीन खोलिएगा तो 444 आपको मिल ही जाएगा, तो मिल ही जाएगा। अगर ये कंप्रेसर हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो वीडियो को आगे और बढ़ता हूं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, क्योंकि वीडियो बनाने में भी दोस्तों मेहनत लगता है। इतना क्लियर करके आपको कोई भी नहीं बताएगा दोस्तों, जो हम आपको बता रहे हैं पूरा यूट्यूब छान मारिएगा, ये आपको मॉडल नहीं कोई बताएगा, इसका गारंटी हम देंगे दोस्तों। तो कभी भी आप अगर आपको 444 कंप्रेसर नहीं है तब कौन सा लगाइएगा, तो आप लगा दीजिए टिकमसा का 9417 100%। ये नहीं है तो ये चलेगा, 100% कूलिंग करेगा, 1% भी कम करे तो आप जो बोलिएगा हम मान लेंगे दोस्तों। ये 444 कंप्रेसर आपको अगर नहीं है अवेलेबल
तो आप 94/17 लगाइए, 15 BC में दो ही कंप्रेसर ज्यादा यूज किया था दोस्तों, आप इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा दोस्तों। अगर ये कंप्रेसर नहीं है तो आप हम 44-40 भी लगा सकते हैं, लेकिन कॉस्टली ज्यादा बढ़ जाता है, कस्टमर उस हिसाब से मिलता ही नहीं, आप भी समझ रहे हैं। तो आप 444 लगाइए, नहीं तो 94/17 लगा लीजिए। अब आ जाते हैं 9 BC में। 9 BC में भी दो मॉडल होता है दोस्तों, एक होता है आपको सुपर 30D, एक ये मॉडल हो गया सुपर 30D। हम आपको एस लिखे हैं, ये 5 नहीं समझिएगा, 530 नहीं समझिएगा दोस्तों, ये एस सुपर 30D आता है। और एक होता है सीधा 330, ठीक है। इस जो सुपर 30D है वो 300 लीटर आता है, जो पुरनका फ्रिज का आता है फ्रिगो ग्लास में आता है, और जो अभी नया फ्रिज वेस्टर्न जो लॉन्च किया है वो 330 मॉडल है, वेस्टर्न का 330 ही मॉडल आता है। अगर आप मॉडल पर पढ़िएगा एसेट नंबर सीरियल नंबर जहां पे लिखा हुआ रहता है, जो स्टिकर अंदर राइट साइड में या लेफ्ट साइड में जो सटा हुआ रहता है जिसपे हम कंप्लेन करते हैं, उस पर 330 आपको मॉडल लिखा रहेगा, आप देख लीजिएगा, तो वो 330 लीटर है दोस्तों, ये आपको 330 लीटर है। 9 BC मशीन 330 लीटर ज्यादा आपको मिलेगा। अब इसका मुद्दा पे आते हैं, अब इसमें कौन सा कंप्रेसर लगेगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का दबा दे नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों। और इसके आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तो आप देखिएगा दोस्तों, और इसके आगे हम बढ़ते हैं और आपको बताते हैं 9 BC में कौन कौन सा कंप्रेसर लगेगा। तो 9 BC में सबसे ज्यादा यूज होने वाला कंप्रेसर है आपको टिकमसा का 94/17 9 BC में सबसे ज्यादा, जहां भी आप 9 BC खोलिएगा इसका हम गारंटी लेते हैं दोस्तों, लगभग जगह पे आपको टिकमसा का 94/17 मिलेगा। अगर वो नहीं मिलेगा तो आपको कभी मिल जाएगा 444 मिल जाएगा, 94/13 मिल जाएगा, आपको ये सब मिलेगा, लेकिन 94/17 ज्यादा से ज्यादा आपको मिलेगा। अगर 9 BC में 94/17 आपके पसंद नहीं है तब कौन सा यूज कीजिएगा हम बताते हैं। अगर 94/17 नहीं है तो आप KCN का 411 यूज कीजिए, 100% ठंडा करेगा 411 KCN कंपनी का, याद रखिएगा 9 BC में। अगर आपको 94/17 टिकमसा का नहीं है तो 411 आप यूज कीजिए, 100% ठंडा करेगा दोस्तों, ठीक है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, ये अब आ गया 7 BC। 7 BC में कितना लीटर रहता है दोस्तों, 7 BC में बहुत ऐसा मॉडल आता है जो पहले बंद भी हो गया, नरकुल का, फ्रियो ग्लास का और वेस्टर्न का, बहुत ही मतलब हर टाइप का मॉडल आता है, वो आपको बहुत ही कम फ्रिज मिलेगा क्योंकि 7 BC फ्रिज बंद हो गया है, बहुत मार्केट में कम आ रहा है दोस्तों, जो आपको पुराना रहेगा वही मिलेगा। तो इसका एक एवरेज लेके चलते हैं, इसमें हर मॉडल का बहुत मतलब अलग अलग लीटर आता है दोस्तों, इसका हम एक एवरेज लेके चलते हैं 210 लीटर का एक एवरेज लेके चलते हैं दोस्तों, ठीक है, एक एवरेज लेके चलते हैं 7 BC में हम बता रहे हैं, नहीं तो सबका जो है क्लियर है 100% इतना ही लीटर होगा। अगर इससे ऊपर नीचा होगा तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, ऊपर नीचा कभी भी नहीं होगा, जितना मेरा गारंटी है वो हम बता रहे हैं, क्योंकि हम बीसी कूलर का ही ज्यादा काम करते हैं। और ये 207 BC में हम डार्क इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत प्रकार का मॉडल है, कभी कभी आप जाइएगा तो स्टिकर भी नहीं मिलेगा, पता भी नहीं चलेगा कितना लीटर का फ्रिज है। तो आप 210 का हम एवरेज लेके चलते हैं, इसमें हम कौन सा कंप्रेसर लगाते हैं। सबसे पहले कंप्रेसर ज्यादातर यूज होने वाला कंप्रेसर है इसमें KCN का कितना नंबर कंप्रेसर, 411 नंबर कंप्रेसर दोस्तों, 411 नंबर सबसे ज्यादा यूज होने वाला है दोस्तों, ये 411। अगर आपके पास 411 नहीं है तो क्या कीजिए, कस्टमर छोड़ दीजिएगा, नहीं छोड़ना नहीं है कस्टमर को, कैसा ही कस्टमर से 2 रुपया कमा लेना है क्योंकि आप जा रहे हैं वहां पे खर्चा लगा के। अगर आपको KCN का कंप्रेसर नहीं है तो कौन लगाइएगा, टिकमसा का 94/13। कभी भी आप, अगर आपको 411 कंप्रेसर नहीं मिले तो आप 94/13 लगा लीजिए, 100% ठंडा करेगा। जहां जो जो कंप्रेसर जो जो मॉडल में आपको लगाए हैं, अगर आप इसको आप यूज करते हैं 100% का गारंटी हम देंगे आपको। आप अगर कभी भी कोई दिक्कत आए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि भाई ऐसा ऐसा दिक्कत आया, आप गलत कंप्रेसर हमको लगवा दिए दोस्तों। ये जितना भी हम मॉडल बताए हैं आपको पूरा YouTube छान मारिएगा, आपको ये सब जानकारी नहीं मिलेगा क्योंकि ये सब चीज गुप्त होता है दोस्तों, लेकिन हम क्लियर करके आपको हम बताते हैं ये सब, ये जो भी आप मॉडल आप देख रहे हैं दोस्तों, ये सब
आपको कमर्शियल फ्रिज में आता है। ये सारा कंप्रेसर आपका कमर्शियल है, डोमेस्टिक नहीं है। घरेलू फ्रिज का कंप्रेसर ये जितना भी वीसी कूलर है इसमें एक में भी नहीं लगेगा। अगर आप लगा रहे हैं तो यानी कि आप अपना भी पैसा बर्बाद कर रहे हैं, टाइम बर्बाद कर रहे हैं और कस्टमर को भी आप बर्बाद कर रहे हैं। कभी आप घरेलू फ्रिज का कंप्रेसर एलजी, सैमसंग, वर्लपूल, हिताची किसी भी कंपनी का कंप्रेसर आप इसमें नहीं लगाइए। कभी भी कंप्रेसर लगाइए, ये सब कमर्शियल कंप्रेसर है जो आपको लिखा गया हुआ है। आप इसको ना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कौन सा मॉडल में कौन सा कंप्रेसर यूज होगा। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप कभी भी ये सब लीटर बाय लीटर है, लीटर बाय लीटर ही आप इसमें कंप्रेसर लगाइए। हो सकता है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए, क्योंकि इसी प्रकार का हमारा एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, हीटर, कूलर, पंखा का वीडियो आते रहता है। दोस्तों चलिए, ये वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।